मेनका गांधी ने वरुण की पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से की तुलना। वरुण गांधी के भविष्य की चिंता नहीं, वरुण गांधी का कद बहुत बड़ा। पिछले कुछ दिनों से पार्टी की नीतियों और शीर्ष नेताओं का विरोध कर रहे वरुण गांधी को पार्टी ने इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट कट गया, लेकिन पार्टी ने वरुण को रायबरेली से टिकट ऑफर किया था। रायबरेली से टिकट दे पार्टी जा रही थी वरुण को खुद ही कि चचेरे भाई राहुल के सामने मैदान में उतारना, पर वरुण ने मना कर बीजेपी को दे दिया था बड़ा झटका। लेकिन अब वरुण के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण का टिकट काट ही दिया और रायबरेली से टिकट मिला तो वरुण ने लड़ने से मना कर दिया। अब वरुण क्या करेंगे? अंतिम चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन वरुण ने न ही किसी दल टिकट पर न ही निर्दलीय कहीं से पर्चा भरा है। ऐसे में उनकी राजनीतिक भविष्य पर खूब बात हो रही है। वरुण की मां मेनका गांधी से भी वरुण को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब वरुण की मां मेनका ने वरुण गांधी पर खुलकर बात की है। आखिर मेनका गांधी ने क्या कहा है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रहे वरुण गांधी पीलीभीत सीट से मौजूदा सांसद हैं। वहां पर उनकी जबरदस्त लोकप्रियता रही है। हालांकि पार्टी ने बिना कोई कारण बताए इस बार उनका टिकट काट दिया और रायबरेली से टिकट ऑफर किया, लेकिन वरुण गांधी ने रायबरेली से लड़ने पर साफ साफ मना कर दिया। बता दें रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। यहां से पूर्व में सोनिया गांधी सांसद थी। इस बार प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत समय में पार्टी ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा। हालांकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद से वरुण शांत हैं, जिसे उनकी नाराजगी का संकेत माना जा रहा है। यही नहीं, वरुण पार्टी से पहले से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल में उन्हें एक बार ही मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वरुण को राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। एक समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाने वाले वरुण को आज पार्टी किनारे करने में लगी है। यही कारण है वरुण लगातार पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेताओं को समय समय पर विरोध करते दिखते हैं। लेकिन अब पीलीभीत से टिकट न मिलने और रायबरेली से लड़ने को मना करने के बाद वरुण के राजनीतिक भविष्य की चर्चा जोरों पर है। मेनका गांधी से भी इसको लेकर सवाल किए गए, जिस पर मेनका गांधी ने दो टूक जवाब दिया। मेनका गांधी ने वरुण गांधी का किया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से तुलना। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। बीजेपी ने जतिन प्रसाद को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं गांधी परिवार की बहू मेनका का गांधी पर एक बार फिर भरोसा जताया और उन्हें सुल्तानपुर सीट से टिकट दे दिया गया। NDTV से बात के दौरान मेनका गांधी ने कहा उनके बेटे वरुण में पूरा विश्वास है। मेनका गांधी ने कहा वरुण का कद अपने आप में बड़ा है और उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेनका गांधी ने कहा मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करती हूँ और उसको किसी भी तरह चैलेंज नहीं करना चाहती। हमें वरुण गांधी की क्षमता के बारे में पता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे। उन्होंने कहा कुछ लोग सांसद बनते हैं और कुछ लोग बिना सांसद बने ही राजनेता बन जाते हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का उदाहरण देते हुए कहा वह पहले किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहे थे। वरुण गांधी का कद बहुत बड़ा। सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने कहा आप नहीं जानते कि जीवन ने आपके लिए क्या संभाल कर रखा है। बता दें वरुण गांधी पीलीभीत से दो बार सांसद रह चुके हैं। बीते कुछ सालों से वह भाजपा सरकार की आलोचना करते नजर आते थे, वहीं इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया, जिससे पार्टी और वरुण के बीच अनबन के कयास लग गए। हालांकि वरुण गांधी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। एक दिन पहले भी DVC से बात करते हुए मेनका गांधी ने कहा था 28 की उम्र में सांसद बनने के बाद वरुण गांधी ने बहुत सारे लोगों का दिल जीता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर दो बेस्ट सेलर किताबें लिखी थी, वह कविता भी लिखते हैं। उनको बहुत आगे जाना है। बता दें वरुण गांधी कई बार CM योगी आदित्यनाथ और PM मोदी पर भी बिना नाम ये टिप्पणी कर चुके हैं। मेनका गांधी ने उनका समर्थन करते हुए कहा उन्होंने जो भी कहा होगा मुद्दे को लेकर कहा होगा, उनका व्यक्तित्व किसी से कोई तनाव नहीं है। वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने को लेकर मेनका गांधी ने कहा ये सारे कयास मीडिया के हैं, लोग चाय की दुकान पर भी सरकार बनाते और गिराते दिखते हैं। सच ये है कि वरुण गांधी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा वरुण गांधी उनके लिए प्रचार करने भी आ सकते हैं।